अगर आपको बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना है तो राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे एक बात बताओ, कारगिल वॉर में 1999 में, तो पहले तो एक थोड़ा सा हिस्ट्री दे दो सब व्यूअर्स के लिए जिन्हें नहीं पता, जो आज की जनरेशन है जिन्हें पता नहीं कि कारगिल वॉर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, क्या था। तो मुझे बताओ कारगिल वॉर स्टार्ट कैसे हुआ था, किन कंट्रीज़ के बीच में था और क्या क्या हुआ था, एक थोड़ा सा, एंड देन फिर हम आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में, उस ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। कारगिल वॉर का सबको पता है, कल सब जगह पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट सबसे पहले तो मैं करेक्ट करूँगा कि कारगिल वॉज द डिस्ट्रिक्ट बट देर वॉज नो वार इन कारगिल, वार वॉज इन बटालिक सेक्टर, तुर्तिक सेक्टर एंड द्रास सेक्टर। कारगिल जो है, कारगिल के जो है ना टाउन में कोई लड़ाई नहीं हुई है, वहाँ की जो डिफेंडिंग बटालियन, कारगिल डिफेंडिंग बटालियन थी, उनकी कोई वहाँ पर कोई नाम कारगिल वॉर क्यों रखा गया? दैट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वॉज दी कारगिल एंड दैट एरिया वॉज नोन एज कारगिल, एंड जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था हमारी साइड वाला वो कारगिल में था। तो लाइक माई बटालियन एंड 70 ब्रिगेड दे फॉट इन बटालिक सेक्टर, इस तरफ द्रास सेक्टर जहाँ पे ये विक्रम बत्रा एंड तो ये है नंबर एक। नंबर दो, इट वॉज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि म्यूचुअली ये था कि ये यहाँ पर कोई नहीं आएगा जाएगा, और उतनी ही फोर्स भी रहती थी वहाँ पे, और कोई ऐसी जगह थी जो विंटर्स में हम खाली कर देते थे, एंड इट इज़ म्यूचुअली होता है ऐसे एलसीज, लेकिन मुशर्रफ का दिमाग खराब, कमांडो था वो बंदा, तो वो कमांडो मतलब है कि दिमाग आधा ही होता है, उसको ये आइडिया आया कि चलो ये करते हैं, तो उसने आके बैठा दी दुनिया वहाँ पे। तो स्टार्ट कैसे हुआ था? स्टार्ट ये हुआ कि इनिशियली उसने जो प्रोमिनेंट हाइट थी ना, जो नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर, जो जम्मू श्रीनगर नहीं श्रीनगर ले हाईवे जो है, वो उसके साथ साथ जितनी भी डोमिनेटिंग हाइट थी उनके ऊपर लाके अपनी आर्मी बिठा दी, और बोला, हाँ, और बोला कि हम ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है अगर ये बंद करवा देते हैं तो ये अलग हो जाएगा, एंड किसी ऐसी उस पोजीशन में हम पहुंच सकते हैं जहां पर विन विन सिचुएशन हो हमारे लिए। तो ये सब कुछ करके उसने प्लान किया था कि ये करने के बाद कश्मीर के लिए भी हम बातचीत कर सकते हैं कि ये करो वो करो, बट दे वर नॉट, यू नो, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये इंडियन आर्मी के साथ कर रहे हैं हम और ये क्या कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये पक्का हो गया था कि अब तो ये सब कुछ हो गया, ये एरिया हमारा हो गया है, उनके नजर में तो जीत गए थे कि बस ये हमारा। एंड यू सी अनप्लान, वी वर नॉट प्रिपेयर फॉर, हमारे को ये नहीं था, वैसे तो इंडियन आर्मी हमेशा प्रिपेयर रहती है, लेकिन वी वर नॉट प्रिपेयर फॉर कि वो ये आके कर जाएगा और ये वो, और इतनी आर्मी भी नहीं थी वहाँ पे, फिर भी विद इन टू मंथ्स उनको वहाँ से, और जहाँ पर वो बैठे हुए थे ऐसी जगह पर अगर इंडियन आर्मी बैठ जाए ना तो कोई नहीं खाली करा सकता। क्यों ऐसे? क्योंकि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेटजी, हाँ बिल्कुल, डोमिनेटिंग हाइट्स पे बैठे हुए थे, क्यों नीचे से जो भी जाता था तो फिक्स लाइन पे वेपन लगे हुए थे, मतलब है कि गोली आएगी तो सीधी उधर ही लगेगी जिधर से कोई यार। स्टिल वी वर एबल टू मैनेज, चलो वापस, तो वापस उनको उधर से हटा दिया और वो करा था, बस खाली कराए सारे, एंड कारगिल वॉर हम जीते थे, जीते, वी वन, क्यों नहीं। तो एंड तो इस वॉर के बारे में बताओ, आपका कंट्रीब्यूशन क्या था, काफ़ी हिस्टोरिक था, तो सबको बताओ मेरे को स्टोरीज के बारे में, उस ऑपरेशन के बारे में, क्या किया था आपने उसमें, और आपकी कुछ नहीं था, माय यूनिट वाज यू नो देयर इन हैदराबाद, और हम हमारी नॉर्मल पोस्टिंग आई थी एज कारगिल डिफेंडिंग बटालियन, लेकिन जैसे ही हमारी पार्टी वहाँ पर पहुँची तो एक महीने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि दीज हिल्स आर ऑक्यूपाइड और कोई अपने लोग नहीं है। उसके बाद वहाँ पे जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था उन्होंने कन्फर्मेशन के लिए पेट्रोल्स वगैरह भेजना शुरू कर दी कि जाके चेक करो, और दोज पेट्रोल्स वर एम्बुश्ड, ये वन कालिया का आपको पता होगा कि इस बॉडी वाज डैमेज्ड, तो ये सारा कुछ। उसके बाद ये कन्फर्म हो गया कि वहाँ पर हैं तो सही लोग, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि पाकिस्तान रेगुलर्स हैं या मिलिटेंट्स हैं, और ये तो जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई तब का कन्फर्म हुआ कि हाँ बड़ी पाकिस्तान आर्मीज फाइटिंग थी। और उसके बाद हम वहाँ पर पहुँचे तो हमारे को डाइवर्ट कर दिया बटालिक सेक्टर में, एज इट इज़ आई टोल्ड यू कि कारगिल में तो कोई वो नहीं था, तो बटालिक सेक्टर में वी केम अंडर 70 ब्रिगेड,
तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि हाँ वहाँ पे मेरे को 0.5465 कैप्चर करने के लिए बोला गया था, एंड जो मेरी उस टाइम पे ज़्यादा सर्विस नहीं थी, कमीशन सर्विस 5-4 महीने आए थे यूनिट में आए हुए, और इनिशियली आई वाज विद चार्ली कंपनी, बट ऐसा माहौल बना कि लड़ाई के टाइम पे मेरे को किसी और कंपनी में भेज दिया, दोस्त बाइज वर न्यू टू मी, हर एक को मैं बुला रहा हूँ तो ओए करके नाम भी नहीं पता किसी का, और उनके लड़ने की तरतीब किस तरह की है या काम करने की तरह, तो ये सारी चीज़ें इट वॉज न्यू फॉर मी, तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, एंड फिर फाइनली वी आर एबल टू कैप्चर 0.5465. उससे पहले एक वाल एरिया हमारे को कैप्चर करना था, जब वो कर लिया टू रीच 5465 मेरे को करना था वाल एरिया. जब वाल एरिया कैप्चर किया तो वी सा मतलब कि वो विकेट करके भाग रहे हैं, 600-800 मीटर पे पाकिस्तानी भाग रहे हैं, वी फायर्ड ऑन देम, लेकिन हमारे को ये थी कि चलो भाग रहे हैं, खाली कर दिया ये एरिया, तो अभी हमने उसके बाद एक नोल एरिया था, दिस वॉज इन नोल एरिया जहाँ पर जाके वो बैठ गए पाकिस्तानी, और यहाँ पर था 0.5465 मेरे को इधर जाना था, बट इट वॉज स्लोप, मेरे को नीचे जाके फिर 5465 के लिए चलना था. तो जब हम नीचे उतरे तो इन्होंने फायर शुरू कर दिया, जब इन्होंने फायर शुरू कर दिया तो मैं यहाँ पर अपना फायर बेस इस तरह से बना के गया हुआ था कि इनको बता के गया हुआ था कि मेरे को किसी भी हालत में जो है हमारी परवाह नहीं करनी है, चाहे हम सारे मर जाएं, लेकिन आपने उसको हैमर करना है नोल एरिया को, और देवर आल्सो इस्टेब्लिशिंग देयर, अभी बना ही रहे थे संगड़ वंगड़. तो जब उन्होंने फायर किया तो इन्होंने फायर शुरू किया तो मेरे पास बायनाकुलर से मैं देख रहा हूँ, एंड जैसे होता ना कि कोई विश ग्रांट हो गई कि आप जहाँ पे चाहते हो वहीं पे फायर जा रहा है, और 5 मिनट के अंदर उन्होंने वो देखे आउट विद द वाइट फ्लैग दैट दे वांटेड टू टाक. तो मैं बोला क्या करें, बाकी पूछे तो मेरे जीसीओ वगैरह, वो बोला इनके ऊपर पाकिस्तानियों के ऊपर विश्वास नहीं करना है साहब. तो मैं बोला यार वो बाहर आया तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को भी वहाँ पर जाना है. तो तब मैंने अपने पीछे इनको बोला कि फायर बंद कर दो फिलहाल, लेकिन बी अलर्ट उसे. तो मैंने उनको इशारा किया कि तुम आओ, वो एक्चुअली दे स्टार्टेड कमिंग डाउन विद द वाइट फ्लैग की बात करनी है. फिर मैंने एक तुलाराम था ब्रेव चैप, मैंने उसको बोला कि यार वाइट कपड़ा कहाँ से निकाले हम. बोलता है साहब इतनी ठंड में, बोलता है साहब कोई बात नहीं, मैं करता हूँ बंदोबस्त, हम प्रबंध करते हैं. तो उसने क्या किया कि अपनी जैकेट वैकेट उतारी, तो अंदर से वाइट सैंडो बनियान निकाली और वो ऐसे राइफल के ऊपर बांध के उनको दिखाई कि ठीक है वी आर रेडी टू टॉक. और उसके बाद मैं गया तो आई स्टिल रिमेम्बर मेजर जावेद, स्मार्ट पाकिस्तानी ऑफिसर बी एड, और हम मिले हाथ मिलाए, डरा हुआ था थोड़ा सा क्योंकि वो जितना नीचे आया ना वापस उसको ऊपर जाना है नहीं. तो हाँ उसको ये था कि हम उसको सीट के पीछे ना ले जाएं, और मेरे को ये है कि माई टास्क इसकी 5465 कैप्चर करना है. तो मैंने उसको बोला यार तुम यहाँ पे नहीं, उसने बोला कि ये कैसा फायर किया आपने, सीज फायर हो गया है उधर डिक्लेयर हो गया. मैं बोला सीज फायर हो गया, फायर तो पहले आप लोगों ने किया हमारे पर, और अगर आप करोगे तो ऐसा ही होगा, वाह हम भी करेंगे, हम इधर गोली खाने के लिए थोड़ी आए हैं, हम भी मारने के लिए आए हुए हैं. तो उसने खैर जेब से सिगरेट पैकेट निकाला तो बोलता यू स्मोक, ऐसे मैं बोला हाँ मैं सिगरेट. तो उसने निकाला एक, मेरे को जो दिया तो मैंने वो नहीं लिया, मैंने दूसरा लिया, तो ऐसे स्माइल देखे ना तो उसने वही लिया जो फिर जो मैंने साइड पर कर दिया था, उसने वही लिया तो सिगरेट पिया, लेकिन ही बस बड़ी स्पीड में सिगरेट पी रहा था, जैसे वो टेंस होता है ना बंदा बहुत ज़्यादा. मेरे घर में ही वाज हैविंग फियर कि मैं वापस कैसे ऊपर जाऊँगा ये अगर कुछ गड़बड़ कर जाएगा. बीच में बहुत सारी स्टोरी है लेकिन मैंने वो कट छाट कर दी है कि वो हम एक दूसरे को बोलने के तुम आगे मूव करो और वेपन छोड़ दो, खाली आता हो, 3 बंदे नहीं 1 बंदा हो लाइक दैट. फाइनली मैंने उसको बोला कि ठीक है एक जगह खाली करो और मैं 5465 जा रहा हूँ, और अगर आप लोगों ने फायर किया तो. उसने मेरे को बोला कि सर वी विल कन्वे योर मैसेज टू हायर अथॉरिटीज, अभी तक तो हमारे को नोल एरिया में ही बैठने के लिए बोला है, लेकिन कन्वे कर देंगे अगर वो पीछे हटने के लिए बोलते हैं. मैं बोला नहीं यार तुम्हारे को पीछे हटना पड़ेगा, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते, दिस एरिया वॉज नॉट प्री ऑक्यूपाइड, और जो पहले की पोजिशन है जहाँ पर जाके तो वहाँ पर जाके बैठो. उसके बाद ही मूव, जब तक वो मूव करता तब तक मैंने मेरे जो अपने लोग थे मैंने इनको बोल दिया कि तुम फटाफट मूव टूवर्ड्स 5465. तो जब तक वो ऊपर पहुंचता तब तक हम सारे पहुंच गए थे ऊपर, तो वापस. सो दिस इज हाउ वी वर एबल टू कैप्चर दैट 0.5465. देखो जो उनके पास एडवांटेज थी वो सारी हमने ख़त्म कर दी थी,
डोमिनेटिंग हाइट सारी हमने वापस ले ली थी, उसके बाद हमने उनके पीछे भागना था एंड दिस सीज फायर थिंग रेडी हैपेंड। उस टाइम पे तो फौज तरस रही थी कि बस ये अब बंद नहीं होनी चाहिए, अब ये कंटिन्यू करो, हाँ, तो लेके ही आएंगे इस बिल्कुल। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। मेरा नाम राज शमानी है और यहाँ पर हम बहुत सारे नॉलेजेबल इंसाइटफुल क्लिप्स ला के लेते हैं आपके लिए।